परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। हरेक को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उल्पत्ति की किताब 37 अध्याय से सत्ताईस अध्याय से कुछ बातें हम देख के आ रहा था। पिछले दिनों में हमने देखा है कैसे याकूब इसहाक से अनुग्रह छीन लिया है, वो बात हम देख रहा था। उसके बाद 29 पद तक हमने देखा है। उसके बाद 30 पद में लिखा है उल्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसका 30 पद, ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकलता। देख याकूब का प्रतिक्रिया कैसा है। सिर्फ एक मतलबी व्यक्ति है, उसको आशीर्वाद चाहिए था, वो आशीर्वाद मिल गया है, अपना पिता के सामने से वो निकल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हम सिर्फ हमारा माता पिता का आशीर्वाद के लिए, नहीं तो धन दौलत के लिए, सिर्फ उसी के लिए पीछे नहीं पड़ना है। हम माता पिता का ध्यान भी रखना ये बहुत ज़रूरी भी है। वो बहुत बुजुर्ग अवस्था में है, याकूब चाहिए तो उसको सेवा भी कर सकता था, परंतु उसको सेवा में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना काम हो गया है, वो निकल गया है। मेरा बात सुनने वाला बच्चों, कभी भी अपना माता पिता के साथ ऐसा ना करें। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा घर पे ऐसी होता है, माता पिता ने अपना बुजुर्ग अवस्था में धन दौलत बच्चों का नाम से लिख के दिएगा, उसके बाद बच्चा कोई भी माँ बाप को देखेगा नहीं है। कभी वृद्धाश्रम में डालेगा, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी एक हालत आजकल हमारा विश्वासी लोगों के बीच में भी हो गया है। प्रिय विश्वासियों, हम ऐसा ना करें। हमारा माता पिता लोगों का सेवा भी हमको करना जरूरी है। जब हम देख सकता है कि ऐसा जाकर एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास लेके आया, इसी में कोई रिबेका का उनका माँ का मदद लिया है हम नहीं देखता है, वो एसाव ने खुद बना के लेके आया। इसलिए जब आइसक उसको भेज रहा था, जब बोला था तुम जाके पकड़ के लेके आओ, मेरे लिए खाना बना के लेके आ जाओ, एसाव को ऐसी एक ट्रेनिंग है मिल गया है, खाना भी बना सकता है। हमारा बच्चों लोगों को, वो लड़का हो लड़की हो, थोड़ा सा ट्रेनिंग हमारे बच्चों लोगों को देना है। कम से कम अपना ज़रूरतों के हिसाब से कुछ तो कुछ बनाने के लिए उनको सिखाना है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए माँ बाप से दूर चले जाना चाहिए। उसी टाइम कोई इतना तकलीफ़ परेशानी ना आए, उनको अपने आप को मैनेज करना, ऐसी हमको ट्रेनिंग थोड़ा सा देना है। इधर हम देख सकता है कि ईशाव लेके आया, जब बोल रहा था तुम कौन है, वो बोला था मैं तुम्हारा जेठ पुत्र हूँ। वो इसहाक की क्या कर दिया है, अत्यंत दरबर कांपते हुए कहा तुम्हारे पहले कौन आया था। उसने अंधे के अनुभव में उसने याकूब का आवाज़ पहचान लिया था, वो याकूब का आवाज़ है। उसके बाद भी उसने पूरा आशीष उसको दिया हुआ है। वो रोने लग गया, ये सुनकर वो रोने लग गया, कौन एसाव रोने लग गया। हम जानता है कि कई टाइम पहले उसने एक टाइम का खाने के लिए उसका ज्येष्ठ पुत्र का अनुभव, पखलौटा का अनुभव उसका याकूब को उसने भेज दिया था। जब उसने कोई सोचा नहीं है इसका परिणाम क्या हो जाएगा, उसी टाइम बोलता था मेरे को कैसे भी मरना है, ये पखलौटा का अनुभव क्या लाभ हो जाता है, इसे भेज दो। परमेश्वर का वचन में हम जानता है कि बहुत सारा मूल्य बात हम लिख के रखा हुआ है, उसी को हम इम्पोर्टेंस देना है,
उसी को कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं करना है। इधर एसाव ने उसी को पगलौटे का अनुभव को नज़रअंदाज किया है, उसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, उसी के कारण ये सांप हो गया है। वो बोल रहा था उसने मेरा पगलौटा का छीन लिया, उसके बाद अभी मेरा आशीर्वाद भी उसने ले लिया है। हम देख सकता है कि उसी ने नहीं छीना है, उसी ने बोला है भैया तुमको चाहिए तो तुम्हारा पगलौटे का वो अधिकार मुझे दे, कभी उसने छीना नहीं है। परंतु इसका क्या बोल रहा है, उसने छीन लिया, अभी बोल रहा है वो आशीर्वाद भी छीन लिया, आशीर्वाद भी उसने छीना नहीं है। पगलौटा बेटे को ही आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए याकूब को मिल गया। इसी के सबके कारण एसाव है, एसाव ने इसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। कहने के पीछे ये दुनियादारी के हिसाब से, शारीरिक अभिलाषा के हिसाब से उसने जीवन बिता दिया है, उसी के कारण ये सब हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है याकूब ने अच्छा काम किया है, याकूब ने भी अच्छा काम नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने पहले से याकूब को चुन लिया था। रिबेका को भी वही बात उसने बोला था, ये आशीर्वाद उसको परमेश्वर ने दिया हुआ था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो इतना रोया। अभी रोने से क्या मतलब है, हम जब गलती करता है, गलती करने के पहले हमको सोचना है, गलती करने के बाद उसके बारे में सोच के रोने से कुछ भी मतलब नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बच्चों को हम भी कोई भी निर्णय लेता है उसी टाइम 10 बार सोचे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हित सोच कर हम कुछ काम करें, नहीं है तो ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी हमारे जीवन में भी आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 41 पद में एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण भाई रखा है। भाई भाइयों को बीच में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, परंतु इधर क्या है, भाई रखा है। क्यों? उसका माता पिता ने इसके क्या कारण है, वो एक दूसरे को ज़्यादा प्रेम किया है, उसी के कारण भाई लोगों के बीच में भाई आ गया। सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंधकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। बाप रे, कितना एक गलत निर्णय वो ले रहा है। अभी मेरा पिताजी मरने का टाइम आ गया है, उसी के मृत्यु के बाद मैं क्या करेगा, याकूब को मैं मार डाल दूंगा। कईन हाबेल को मार डाला है, ऐसी इधर भी मार डालेगा। शैतान का बहुत बड़ा एक काम इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बच्चों को हम ऐसी एक अच्छा सीख दे, भाई भाइयों के बीच में अच्छा प्रेम में, भाई बहनों के बीच में अच्छा प्रेम में आगे बढ़े। कोई ऐसी भाई रखना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ऐसी स्वभाव हमारे बच्चों लोगों के बीच में ना आए। एक अच्छा मसीही जीवन, प्रभु की चीज़ों को, परमेश्वर का वचन के हिसाब से उसको महत्व देते हुए जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा मसीही जीवन, एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।